प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शक्ति का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल पावर। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, राष्ट्रीय शक्ति का महत्व, लेक्चर नंबर 37, पार्ट नंबर 6। मीन्स राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर ही आज हम सातवां लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। मतलब एक तो लेक्चर नंबर 37 हो गया और उसके बाद में इसका पार्ट नंबर ये 6 है, तो 6 लेक्चर ये हो गए, एक पार्ट मतलब पार्ट 6 हो गए और इसके बाद में एक जो लेक्चर है वह 37 नंबर का हो गया। तो ऐसे आज हम सातवां लेक्चर ले रहे हैं, किसके ऊपर? राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर। तो इससे ये बात स्पष्ट हो ही गई है क्या कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है, निश्चित रूप में इसके लिए आपको राष्ट्रीय शक्ति को अच्छे से समझना होगा। अगर राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, परिभाषा इत्यादि जितनी भी बातें मैंने समझाई हैं वो सब बात समझ में आ गई हैं, तो उसके बाद में राष्ट्रीय शक्ति के महत्व को समझने भी हमें कोई परेशानी नहीं आ सकती है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शक्ति का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल पावर, लेक्चर नंबर 37, पार्ट नंबर 6। ठीक है बेटा, अब राष्ट्रीय शक्ति का महत्व समझें। उससे पहले जैसा कि मैंने आपके लिए यह डायग्राम बनाया है, मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं मेरे विद्यार्थियों को इस रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझाऊं, इस रूप में राजनीति विज्ञान समझाऊं, जिससे कि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े। ये स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, जिनको हमारे चैनल की जानकारी है, उन विद्यार्थियों का परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को अवगत कराएं। कारण क्योंकि मैंने ये देखा है कि वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के ऊपर दुनिया भर के चैनल बने हुए हैं, लेकिन उनमें टाइम पास वाली प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। जबकि बेटा, हमें टाइम पास करना नहीं आता है, हम तो केवल एक बात जानते हैं कि हमें राजनीति विज्ञान को कैसे समझाना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे समझाना है, लोक प्रशासन को कैसे समझना है, पश्चिमी राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक कैसे समझाने हैं, शोध प्रविधि का पेपर चलता है इसको कैसे समझाना है, राजनीतिक सिद्धांत है, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, उत्तर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सभी पेपर्स किस तरीके से समझाए जाएं जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो हमारा भरसक प्रयास है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जितना भी पाठ्यक्रम है मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर उपलब्ध करवाऊँगा। तो बेटा, यहाँ जो डायग्राम बनाया है, पहले इसको समझे क्या है इसके अंतर्गत। मैंने इधर नोट किया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, फिर मैंने यहाँ नोट किया राष्ट्रीय शक्ति का महत्व। मीन्स हमको तो राष्ट्रीय शक्ति के महत्व को समझना है। अब महत्व को समझे, उससे पहले इससे महत्वपूर्ण बातें समझेंगे क्या बेटा। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, मतलब सबसे पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता, कार्यकर्ता, एक्टर कौन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो एक्टर होता है, वो होता है बेटा राष्ट्र राज्य। जरा ध्यान दें, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझना है तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अभिनेता होता है, जो एक्टर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो इकाई होता है, वो राष्ट्र राज्य होते हैं। राष्ट्र राज्य मीन्स जैसे भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है ना, जापान है, हम कहेंगे कि यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ के सदस्यों की संख्या 193 है। तो डेफिनेटली 193 के 193 राष्ट्र राज्य है। अब जो ये 193 राष्ट्र राज्य है ना बेटा, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्या है, अभिनेता हैं। समझ में आ रहा है ना, ये अभिनेता हैं। तो इसका मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अभिनेता हैं, जो एक्टर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो इकाई है,
वो राष्ट्र राज्य। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो इन अभी नेताओं के बीच में, इन राष्ट्र राज्यों के बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसी का तो हमें अध्ययन करना है। ठीक, चलिए बेटा, ये एक नंबर बात होगी। नंबर दो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उद्देश्य क्या है? बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये बात तो स्पष्ट होगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता, इकाई, एक्टर, कार्यकर्ता राष्ट्र राज्य है। ठीक है बेटा, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या है? बेटा, ये जो राष्ट्र राज्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जैसे 193 सदस्य हैं, तो वास्तविक रूप में ये जो राष्ट्र राज्य हैं, ये सभी राष्ट्र राज्य जब अपनी विदेश नीति तय करेंगे, है तो निश्चित रूप में सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हित। मतलब सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का ही प्रयास करेंगे, अपने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का ही प्रयास करेंगे, अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, अब चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, दुनिया का कोई भी देश हो, सभी राष्ट्र राज्यों का, देशों का ये उद्देश्य होता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें, जिसमें जो प्राथमिक हित होता है वो सीमाओं की रक्षा करना होता है, और गौण हित होते हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के, मैं कहूँगा कि आर्थिक समझौते किए जाते हैं, है ना, इसी के साथ में सांस्कृतिक समझौते भी किए जाते हैं, तो वो गौण हित में आ जाते हैं, जबकि सीमाओं की रक्षा करना वो प्राथमिक हित में आता है, और सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने सीमाओं की रक्षा का अथक प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य होगा राष्ट्रीय हित, है ना बेटा। अच्छा, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम तीसरी बात लेते हैं। बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बेहतर तरीके से समझना है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन क्या होता है। साध्य और साधन, साध्य उद्देश्य, साध्य लक्ष्य, साध्य और साधन। बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन होता है शक्ति, पावर। यस, इसको आप राष्ट्रीय शक्ति भी कह सकते हैं, है ना। जैसे आज हम राष्ट्रीय शक्ति के महत्व की तो बात करेंगे, अब ये सारी बातें समझ जाएंगे तो हमको इसके इम्पोर्टेंस को समझने में दिक्कत नहीं आ सकती है। बेटा, मैं यहाँ बरसक प्रयास करूँगा कि मैं ये इस रूप में समझाऊँ जिससे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझने में दिक्कत नहीं आए। मैं थ्योरेटिकल पार्ट को तो बड़े अच्छे से समझाता हूँ, फिर भले वो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हो, भले वो पॉलिटिकल थ्योरी हो, भले वो लोक प्रशासन हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले समझाता हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिकल पार्ट की चर्चा करते हैं। तो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन क्या होता है? शक्ति होता है, राष्ट्रीय शक्ति होता है, पावर, नेशनल पावर। ठीक है बेटा, तो मतलब शक्ति साध्य भी होता है और साधन भी होता है। शक्ति, साध्य और साधन कैसे होता है? यहाँ पर ये तीन बिंदुओं में हमने इसको लिया है, राष्ट्रीय शक्ति के महत्व में, राष्ट्रीय शक्ति, साधन और साध्य दोनों है, यहाँ इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद में इसका चौथा बिंदु है विदेश नीति का आधार। बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से समझना है तो आपको ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि विदेश नीति का जो आधार होता है वो विदेश नीति का आधार भी बेटा राष्ट्रीय शक्ति ही होता है। क्या बेटा? राष्ट्रीय शक्ति ही होता है। और आज हम राष्ट्रीय शक्ति के महत्व की तो चर्चा कर रहे हैं, तो आपके सामने है राष्ट्रीय शक्ति कितना महत्व, यहाँ पर भी आप राष्ट्रीय शक्ति लिख सकते हैं, साध्य और साधन, राष्ट्रीय शक्ति ही साध्य और साधन है, और राष्ट्रीय शक्ति ही क्या है? विदेश नीति का आधार है। मतलब वास्तविक रूप में जब हम कहेंगे राजनीतिज्ञ हूँ, कूटनीतिज्ञ हूँ, और नीति निर्माताओं के द्वारा जब विदेश नीति तय की जाती है तो उस विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय शक्ति होता है। भाई, कोई राष्ट्र राज्य दुर्बल है, कमजोर है, तो उसकी विदेश नीति प्रभावशाली नहीं हो सकती, और कोई राष्ट्र राज्य वास्तविक रूप में शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, तो उसकी विदेश नीति भी प्रभावशाली ही होगी। मतलब इसका सीधा शर्त यह है कि विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय शक्ति होती है। आप देख सकते हैं 1991 सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन होते ही संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च शक्ति बन बैठा, दूसरी विश्व युद्ध के बाद में
हम देखते हैं कि पूरी दुनिया दो भागों में बट गई, दो गुटों में बट गई थी, एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। तो ये दोनों ही गुट अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। अब एक मतलब पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय शक्ति ही होता है। अब कैसे होता है इसकी व्याख्या हम तीन बिंदु में करेंगे। मतलब जो ये तीन बिंदु है, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, ये तीनों बिंदु वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये राष्ट्रीय शक्ति के महत्व की चर्चा करते हैं तीनों बिंदु। ये दो बिंदु मैंने बताए हैं, ये इसलिए बताएं जिससे कि आप वास्तविक रूप में अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकें, अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकें। तो चौथा है मुद्रा मतलब करेंसी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो मुद्रा होती है, जो करेंसी होती है, वो बेटा राष्ट्रीय शक्ति ही होती है। क्या होती है बेटा? राष्ट्रीय शक्ति ही होती है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो राष्ट्रीय शक्ति है, राष्ट्रीय शक्ति है, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुद्रा, करेंसी होती है। क्या मतलब है इसका? इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कारण सबसे पहले एक बार दोहरा रहा हूँ, नंबर एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता राष्ट्र राज्य है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्टर कौन है, कार्यकर्ता कौन है, अभिनेता कौन है, इकाई कौन है, तो राष्ट्र राज्य है। आपको राष्ट्र राज्य के आपसी संबंधों का अध्ययन करना है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हित। सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हित की तो बात करेंगे, यस। इसके बाद अभी दो बिंदु तो हो गए, फिर तो तीन बिंदु है, 3, 4 और 5। बेटा इन तीनों बिंदु के आधार पर आप राष्ट्रीय शक्ति के महत्व को समझेंगे। इसलिए मैंने ये तीनों बिंदु अलग से नोट कर दिए जिससे कि आप राष्ट्रीय शक्ति के महत्व को समझें कि भाई नेशनल पावर का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल पावर। ठीक है बेटा, तो नोट करें यहाँ, मुद्रा मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो मुद्रा होती है वह राष्ट्रीय शक्ति होती है। क्या होती है बेटा? राष्ट्रीय शक्ति। ठीक है, अब आगे बढ़े। मैंने यहाँ नोट किया है अनामक बैनामक। मतलब देखो बेटा, यहाँ सबसे पहले जाना जरूरी है कि सीधे स्वरूप में देखें, भाई कोई कह दे कि राष्ट्रीय शक्ति ही क्या है, है शक्ति ही क्या है। अब इन दोनों का अर्थ देखें आप, शक्ति क्या है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है। बेटा ध्यान दे, जब अनामक व्यक्ति बैनामक व्यक्ति से है, मीन्स अनामक व्यक्ति मैं हो गया, बैनामक व्यक्ति मेरा साथी हो गया, व्याख्याता हो गया, प्रवक्ता ही होगा महाविद्यालय में। अब अनामक व्यक्ति, अनामक व्यक्ति जैसे मैं हो गया, हमारा नाम श्रीपाल है, ठीक है। तो अनामक व्यक्ति बैनामक व्यक्ति से, बैनामक व्यक्ति हमने ले लिया, मान लीजिएगा जितेंद्र ले लिया। अब अनामक व्यक्ति बैनामक व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की क्षमता या योग्यता, क्षमता या योग्यता ही शक्ति कहलाती है। मतलब अनामक व्यक्ति ने बैनामक व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा लिया है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा लिया तो वह कार्य करने की जो क्षमता इसके पास में, जो योग्यता इसके पास में है, वह क्षमता योग्यता ही शक्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैनामक व्यक्ति से कोई काम करा लिया, अपनी बात मनवा ली, या बैनामक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर लिया। अब उसके व्यवहार को नियंत्रित मैंने कैसे किया है, किस क्षमता से किया है? मैंने बुद्धि के आधार पर किया है, धन के आधार पर किया है, या फिर उसको जो है धमकी दे करके अपनी बात मनवाई, बात मनवाई कैसे भी मनवाई। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छानुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो क्षमता या योग्यता पहले वाले व्यक्ति के पास में होती है वह क्षमता या योग्यता ही बेटा क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब यही बात राष्ट्रीय शक्ति कैसे बन जाएगी? जब अनामक राष्ट्र राज्य बैनामक राष्ट्र राज्य से, मतलब भारत अमेरिका से, अमेरिका भारत से, जब अनामक राष्ट्र राज्य बैनामक राष्ट्र राज्य से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है और वह कार्य कराने की जो क्षमता अनामक राष्ट्र राज्य के पास में, जो क्षमता अनामक राष्ट्र राज्य के पास में, जो योग्यता अनामक राष्ट्र राज्य के पास में, तो वह क्षमता या योग्यता ही बेटा राष्ट्रीय शक्ति कहलाएगी। ठीक है बेटा, इसका सीधा स्वभाव अर्थ ये होगा। बाकी राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ परिभाषा इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्रारंभ में। ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 37 37-1, इसके अंतर्गत आप इसका अर्थ देख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं तीनों बिंदु की, साध्य साधन, विदेश नीति का आधार और मुद्रा। पहला महत्व हमने लिया है राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुद्रा है। बेटा ध्यान दें, राष्ट्रीय शक्ति नेशनल पावर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, इंटरनेशनल रिलेशंस की करेंसी है, मुद्रा है, समझे।
राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुद्रा है। मतलब वास्तविक रूप में यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है, तो ये बात पहले तय कर लें कि जो नेशनल पावर है, राष्ट्रीय शक्ति, वो करेंसी है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की करेंसी है। कौन? यस, राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुद्रा है, करेंसी है। कैसे है समझें, मैंने नोट किया, राष्ट्रीय हित में सबसे महान हित राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखना तथा इसे बढ़ाना है। बेटा ध्यान दें आप, राष्ट्रीय हित में, अब मैंने नोट किया ना, राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित होता है। भाई सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हित की तो बात करेंगे, अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा ही तो करेंगे, करेंगे कि नहीं? और राष्ट्रीय हित की रक्षा करेंगे तो इसलिए शक्ति चाहिए कि नहीं, राष्ट्रीय शक्ति चाहिए कि नहीं? जब कोई राष्ट्र राज्य दुर्बल है, कमजोर है, तो अपने हितों की रक्षा कैसे कर पाएगा? राष्ट्रीय हित में सबसे महान हित राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखना तथा इसे बढ़ाना है। मतलब जब हम राष्ट्रीय हित की बात करते हैं तो इसमें सबसे महान हित क्या है? राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखना। मतलब मूल बात तो यह है कि इसका हित यह है कि राष्ट्रीय शक्ति जो उनके पास में, जो शक्ति उनके पास में, उस शक्ति को बनाए रखे, सुरक्षित रखना तथा इसे बढ़ाना और लगातार इस शक्ति का विस्तार करे। कौन सा ऐसा देश है जो आज अपनी शक्ति, सैनिक शक्ति को विस्तार नहीं देते हैं, विस्तार नहीं करते? सभी राष्ट्र राज्यों में हम कहेंगे प्रतियोगिता मची हुई है, होड़ मची हुई है, किसके लिए? सैनिक शक्ति का विस्तार करने के लिए, है कि नहीं? तो नोट करेंगे, राष्ट्रीय हित में सबसे महान हित राष्ट्रीय शक्ति को, नेशनल पावर को बनाए रखना तथा इसे बढ़ाना है। मतलब राष्ट्रीय हित में सबसे, राष्ट्रीय हित में सबसे महान हित क्या है? राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना और इसके साथ में इसको बनाए रखना। मतलब राष्ट्रीय शक्ति को लगातार बढ़ाएं और जो शक्ति उनके पास है उसको सुरक्षित रखें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शक्ति ऐसी मुद्रा है। बेटा आप ध्यान देंगे, राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति ऐसी मुद्रा है, ऐसी मुद्रा मतलब करेंसी है, ऐसी मुद्रा है जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र अपने इच्छित मूल्यों को प्राप्त कर सकता है। नोट करें पूरा, मैंने यहाँ केवल संकेत दिया है। राष्ट्रीय शक्ति ऐसी मुद्रा है, ऐसी करेंसी है, जिस करेंसी से, जिस मुद्रा से कोई भी राष्ट्र, ये राष्ट्र राज्य, कोई भी राष्ट्र राज्य, संयुक्त राष्ट्र संघ में आज हम देखें तो 193 राष्ट्र राज्य हैं, तो कोई भी राष्ट्र राज्य अपने इच्छित मूल्यों को प्राप्त कर सकता है। मतलब राष्ट्रीय शक्ति से कोई भी राष्ट्र राज्य अपने इच्छित मूल्यों को प्राप्त कर सकता है। अगर किसी भी राष्ट्र राज्य के पास में राष्ट्रीय शक्ति ही नहीं है, पावर ही नहीं है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, उसकी बात कोई मानता ही नहीं है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वह अपने इच्छित मूल्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर से कह रहा हूँ, राष्ट्रीय शक्ति ऐसी मुद्रा है, राष्ट्रीय शक्ति ऐसी मुद्रा है, करेंसी है, मुद्रा है, जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र राज्य अपने इच्छित मूल्य को, अपने इच्छित मूल्य को प्राप्त कर सकता है। अब इच्छित मूल्य क्या है? इच्छित मूल्य में आएगा जैसी शक्ति को बढ़ावा देना, सुरक्षित रखना, सुरक्षा, उन्नति, विकास, वैचारिक आदर्श, व्यवस्था आदि प्राप्त कर सकता है। मतलब राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा कोई भी राष्ट्र राज्य शक्ति की प्राप्ति कर सकता है, सुरक्षा की स्थापना कर सकता है, भाई अपनी सीमाओं की सुरक्षा करेगा, उन्नति कर सकता है, विकास कर सकता है, वैचारिक आदर्श स्थापित कर सकता है और व्यवस्था सिस्टम को बनाए रख सकता है, व्यवस्था आदि प्राप्त कर सकता है। तो बेटा ये किसके द्वारा प्राप्त कर सकता है? केवल राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा। इसीलिए राष्ट्रीय शक्ति करेंसी, एक मुद्रा है, जिससे कि वह अपने इच्छित मूल्यों को, इच्छित मूल्यों को प्राप्त कर सकता है। मूल्य जैसे शक्ति, सुरक्षा, उन्नति, विकास, वैचारिक आदर्श और व्यवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति का जो पहला महत्व है, वह पहला महत्व इस रूप में है कि राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुद्रा है। नोट करें, राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुद्रा है। मतलब जो राष्ट्रीय शक्ति है, नेशनल पावर है, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की करेंसी है, मुद्रा है, मुद्रा के रूप में इसका महत्व है। ठीक है बेटा, मतलब जो काम करेंसी का होता है वही काम राष्ट्रीय शक्ति का होता है। दूसरा है, राष्ट्रीय शक्ति ही विदेश नीति का आधार होती है। मैंने यह बताया ना, ये नोट भी कर रखा है, विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय शक्ति। तो दूसरा महत्व, राष्ट्रीय शक्ति ही विदेश नीति का आधार है। मतलब आपको किसी भी देश की विदेश नीति को समझना है तो निश्चित रूप में आपको ये देखना होगा कि अगर वह राष्ट्र राज्य वास्तविक रूप में अपनी विदेश नीति को प्रभावी बनाना चाहता है तो ये डिपेंड करेगा राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर। मतलब एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य से अपनी बात मनवा पाता है या नहीं, अपनी बात मनवाने की उसमें योग्यता क्षमता है कि नहीं, दूसरे राष्ट्र राज्य को वह प्रभावित कर रहा है या नहीं, एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर पा रहा है या नहीं, एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के जो नीति निर्माता होते हैं उन नीति निर्माताओं के मस्तिष्कों को वह प्रभावित कर रहा है या नहीं। अगर वह ऐसा कर पाता है तो निश्चित रूप में वह, हम कहेंगे कि एक शक्तिशाली राष्ट्र है।
तो इसलिए राष्ट्रीय शक्ति ही विदेश नीति का आधार होती है। कैसे? जैसे राजनीतिज्ञों कूटनीतिज्ञों की दूसरे राष्ट्रों के साथ क्रिया तथा अंतर क्रिया करने की योग्यता उनके राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति द्वारा ही निर्धारित होती है। अब कितनी महत्वपूर्ण बात है, राजनीतिज्ञों कूटनीतिज्ञों की दूसरे राष्ट्रों के साथ क्रिया तथा अंतरक्रिया करने की योग्यता उनके राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। अगर कोई राष्ट्र राज्य वास्तविक रूप में दूसरे राष्ट्र राज्य से अपनी बात मनवा लेता है, एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के नीति निर्माताओं के मस्तिष्क को प्रभावित कर लेता है या उनके मस्तिष्क को नियंत्रित कर लेता है, तो निश्चित रूप में पहले वाला राष्ट्र राज्य जिसने कि दूसरी राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित किया है डेफिनेटली वो शक्तिशाली है। तो कहने का सीधा सा भावार्थ ये होगा यहाँ कि राष्ट्रीय शक्ति विदेश नीति का आधार होती है। भाई किसी भी देश की विदेश नीति का आधार करेंगे तो निश्चित रूप में यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो आधार होगा वो राष्ट्रीय शक्ति ही होगा, शक्ति ही होगा। अगर वह किसी दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता है, अपनी इच्छानुसार दूसरे राष्ट्र राज्य से कोई कार्य ही नहीं करा पा रहा है, उसके पास ऐसी योग्यता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो एक अच्छी विदेश नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तीसरा महत्व है राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति साधन और साध्य दोनों है। जैसा कि मैंने नोट भी किया है, साध्य और साधन मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन शक्ति है, राष्ट्रीय शक्ति है। ठीक है बेटा, साध्य और साधन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या है? राष्ट्रीय शक्ति है, शक्ति है। मैंने नोट किया राष्ट्रीय शक्ति साधन और साध्य दोनों। अगर आपको राष्ट्रीय शक्ति का महत्व समझना है तो यह महत्व इसका ये होगा कि राष्ट्रीय शक्ति साधन भी होती है और साध्य भी होती है। कैसे बेटा? आप देखो, जैसे सामान्य रूप में कहना चाहूँ कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं। अब 10,000 रुपये के बारे में मैंने निर्णय किया कि मुझे इनसे कपड़े खरीदने हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाता है? धन साधन बन जाता है। लेकिन अब मैं ये सोचूं कि 10,000 रुपये के वस्त्र नहीं लेने हैं बल्कि मुझे तो 1,000 के वस्त्र लेने हैं, 9,000 रुपये अब मुझे और बैंक बैलेंस बनाना है, और मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि धन में वृद्धि की जाए, धन में वृद्धि की जाए, भले ही मुझे कैसे भी कपड़े पहनने के लिए मिले, लेकिन मैं धन में वृद्धि करूँ, बचत करूँ। मतलब ऐसी स्थिति में धन मेरे लिए क्या बन जाता है, संपत्ति क्या बन जाती है? साध्य बन जाती है। जबकि हकीकत देखा जाए तो प्रॉपर्टी धन जो होती है वो साधन होती है, लेकिन हम मनुष्य इतने भोले हैं, इतने मैं जिसको कह सकता हूँ कि हम इतने रूसों के शब्दों में हम इतने आदर्श बर्बर हैं आज भी कि हम संपत्ति को उद्देश्य मान बैठे हैं, एक साध्य मान बैठे, जो कि गलत है। तो यही बात यहाँ होती है बेटा कि जो राष्ट्रीय शक्ति होती है वह साधन भी होती है और साध्य भी होती है। बेटा राष्ट्रीय शक्ति साधन कब बनती है? राष्ट्रीय शक्ति साधन तब बनती है जब किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास किया जाता है, और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शक्ति का जब प्रयोग किया जाता है तो शक्ति साधन बन जाती है। पर इसी स्थिति में यदि कोई राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो शक्ति उनके पास है उस शक्ति को सुरक्षित बनाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना, लगातार सैन्य शक्ति का विस्तार करना, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि वहाँ शक्ति साध्य बन जाती है। मतलब लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है तो शक्ति साध्य बन जाती है। इसलिए बेटा राष्ट्रीय शक्ति साधन और साध्य दोनों ही, ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शक्ति साधन और साध्य दोनों है। तो इन तीन बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं आप कि राष्ट्रीय शक्ति का ये महत्व है, तीन बिंदुओं के आधार पर। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है, एक विद्वान है वी वी डाइक कहते हैं कि शक्ति राष्ट्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में सबसे प्रथम स्थान पर तथा उनके द्वारा प्रयोग की विधियों की आधारशिला है। किसने कही ये बात? वी डाइक ने। समझे, शक्ति पावर, शक्ति राष्ट्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में, उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रहित होता है। उद्देश्यों में सबसे प्रथम स्थान पर तथा उनके द्वारा प्रयोग की विधियों की आधारशिला है। मतलब वास्तविक रूप में शक्ति राष्ट्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में सबसे प्रथम स्थान पर है तथा उनके द्वारा प्रयोग की विधियों की आधारशिला है। अगर कोई भी राष्ट्र राज्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, उद्देश्य है क्या बेटा? राष्ट्रहित। तो राष्ट्रहित को प्राप्त करना चाहता है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में शक्ति की आवश्यकता होगी ही होगी। एक विद्वान और है, फ्रैंकल कह रहे हैं कि सभी तरह की राजनीति
शक्ति प्रयोग तथा शक्ति प्राप्त करने के इर्द गिर्द ही घूमती है। मतलब फ्रेंकल कहते हैं कि सभी तरह की राजनीति, बेटा सभी तरह की राजनीति का मतलब क्या है? यस, सभी तरह की राजनीति का मतलब है कि चाहे वह घरेलू राजनीति हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। बेटा घरेलू राजनीति का मतलब होता है राष्ट्रीय राजनीति, है ना। जैसे हांस मार्गिन था, उनका है कि सभी प्रकार की राजनीति चाहे वह घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति मीन्स राष्ट्रीय राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। किसने की बात? हांस मार्गिन था उन्हीं। तो डेफिनेटली हांस मार्गिन था, वो कह रहे हैं कि सभी प्रकार की राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष है, सभी राष्ट्र राज्य शक्ति 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 के लिए संघर्ष कर रहे। और हॉब्स ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि हम मानव में संघर्ष के तीन ही तो कारण है, भय, प्रतिस्पर्धा और यश। मतलब मनुष्य लगातार शक्ति वृद्धि का ही प्रयास करता है, उसकी शक्ति वृद्धि की प्यास तभी शांत होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती। किसने की बात? हॉब्स ने, थॉमस हॉब्स ने, समझौतावादी विचारक ने, अपनी पुस्तक लेवियाथन के अंतर्गत। किसमें? लेवियाथन। लेवियाथन का हिंदी अर्थ होता है विशालकाय जल जंतु। मैंने थॉमस हॉब्स के ऊपर काफ़ी लेक्चर अपलोड कर दिया, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत देख सकते हैं। बेटा ध्यान दें, सभी तरह की राजनीति शक्ति प्रयोग तथा शक्ति प्राप्त करने के इर्द गिर्द ही घूमती है। परंतु अब ये बात जो कही है तो हाँ से मार्गिन था उन्हें भी कही है, परंतु शक्ति घरेलू राजनीति की अपेक्षा, बेटा ध्यान दें, परंतु शक्ति घरेलू राजनीति की अपेक्षा, घरेलू राजनीति का मतलब राष्ट्रीय राजनीति, शक्ति घरेलू राजनीति की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ऐसे मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक सुस्पष्ट तथा कम सीमित होती है। आता है इसे प्रायः शक्ति राजनीति कहा जाता है। प्राय इसे क्या कहा जाता है? शक्ति राजनीति। हम से मार्गिन तो यही तो बात कही है कि सभी प्रकार की राजनीति चाहे राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसके अंतर्गत विशेष प्राथमिकता दी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ज़्यादा अच्छे से लागू होती है। तो ये होगा फ्रेंकल का वाक्यांश, इसको भी नोट करेंगे। एग्जाम में कभी कभी वीवी डाइक का पूछ लिया जाता है, कभी फ्रेंकल का पूछ लिया जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रीय शक्ति के इम्पोर्टेंस के बारे में आपसे पूछा जाता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, या मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी हैं, या जो है आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं जिसमें कि थर्ड ईयर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, इसी के साथ में एमए के अंतर्गत भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर चलता है, तो सर्वत्र ये काम आने वाली बात है। और मैं प्रत्येक लेक्चर के शुरू में समझाता हूँ कि वो सभी विद्यार्थियों की इच्छा को पूरी कर सके। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय शक्ति का महत्व। राष्ट्रीय शक्ति के महत्व को मैंने तीन बिंदुओं के आधार पर समझाया, लेकिन ये जो डायग्राम बनाया है बेटा, ये डायग्राम जरूर नोट करेंगे, इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के थ्योरेटिकल पार्ट को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्रीय शक्ति के महत्व को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा बेटा, इसी से संबंधित होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय शक्ति को नेशनल पावर को या पावर को कैसे नापा जा सकता है। मतलब अब हम राष्ट्रीय शक्ति या शक्ति के मापन की बात करेंगे कि क्या राष्ट्रीय शक्ति को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 37 पार्ट नंबर 7, और उस लेक्चर का नाम होगा शक्ति को कैसे नापा जाता है। क्या? शक्ति को कैसे नापा जाता है। मतलब बिल्कुल क्रमबद्ध रूप में हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही हम क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे, ये पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम अच्छे से समझ रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ आज, क्या बेटा, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो केवल प्रातःकालीन समाचार पत्र, क्या प्रातःकालीन समाचार पत्र पढ़ने मात्र से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं समझी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट को, सैद्धांतिक पक्ष को अच्छे से समझना है, और मैं वही काम कर रहा हूँ। अब तक मैंने लगभग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर 74 लेक्चर अपलोड कर दिए, टोटल 74 लेक्चर अपलोड कर दिए, और मेरा भरसक प्रयास होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक भाग है,
उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, उसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, जिसकी शुरुआत हम दूसरे विश्व युद्ध से करेंगे। उसके बाद में इसमें कोल्ड वार वगैरह जो भी है, शीत युद्ध है, द्वितांत है ना, विभिन्न प्रकार की या विभिन्न देशों की जो विदेशी नीति हैं, विदेश नीति के सिद्धांत प्रत्येक देश के अपने अलग अलग हैं, उन सब की चर्चा हम करेंगे अच्छे से। मतलब मेरा मूल लक्ष्य है कि UPSC के विद्यार्थी यदि हमारे लेक्चर देख रहे तो उनको कहीं दिक्कत नहीं आ जाए कि वो इधर उधर भटके, नहीं, सारी सामग्री आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है बेटा, तो विश्वास है मुझे राष्ट्रीय शक्ति के महत्व आप अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।